बनाए गए हैं, विशेष वीडियो बनाए हैं, विशेष तौर पे बनाए हैं। कहीं ना कहीं हम भी समझते हैं और आप लोग भी समझते हैं कि ये वीडियो जो बनाई जा रही है क्लास 10th और 12th मतलब इंटर में आप साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या फिर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड का A to Z सभी मंत्री से लेकर के और शिक्षा बोर्ड से सचिव सभी से जो भी ऑफिशियल अप टू डेट है वो सभी हम आपको A to Z क्लियर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो जरा रणनीति के तहत अगर काम नहीं कीजिएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ तो रहे लेकिन कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे ना पढ़े, इस पर हम लोग दंग रह जाएंगे। और काम तो कर रहे हैं लेकिन बदले में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हमें बदले में वो चीजें नहीं मिल पाएगी क्योंकि हम उम्मीद कुछ और कर रहे हैं और हमारे सामने एक-एक आ कुछ और जाएगा। तो इसलिए सभी चीजों का निचोड़ बता और उस क्रम में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं दैट्स हमारा वर्क सही डायरेक्शन में जा रहा है एंड सही जा रहा है। तो चलिए A to Z सभी चीजें हम क्लियर करते हैं, एक एक स्टेप क्लियर करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, तो चलिए पहले हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखाते हैं फिर आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने के बाद भागिएगा मत क्योंकि उसके बाद भी हम आपको बात बताएंगे जो उसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं बताई गई है। तो चलिए पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं। ये 2000 बोर्ड का जो 2023 में जो इंटर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं लोग, सब लोग जितने लोग तैयार हैं, तो यहाँ पे चलिए देखा देते हैं कि 2023 में कितने प्रतिशत ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे इस बार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे सब कुछ बोर्ड ऑफिशियल बोर्ड पे ही हम हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जितने भी विद्यार्थी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड करवाए हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर चलेगा कि 2023 में जो साल इंटर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना के वजह से प्रश्न दुगुने पूछे गए थे लेकिन इस बार कितने तक पूछे जाएंगे ये जानना जरूरी है। आगे यहाँ पे फिर से हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है कि बिहार बोर्ड जो परीक्षा समिति है 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, पिछले साल की तुलना में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या कम होगी, पिछले साल यानी 2022 में वैकल्पिक प्रश्नों की दोगुना संख्या थी लेकिन इस बार वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। क्यों कम कर दी गई है? क्योंकि 2022 में स्कूल कॉलेज सभी कुछ बंद चल रहे थे, परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाया था, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए दुगुना फायदा दिया गया था। लेकिन इस बार ये देख लीजिए, ये दोनों महानुभाव लोग हैं, तो ये हैं मंत्री जी और ये हैं सचिव जी, दोनों आदमी ने, बिहार का शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के ये कौन है, समझ रहे ना, दोनों आदमी यही तो थंबनेल पे आप देखे थे और बिल्कुल सही देखे थे, समझे। अब आगे सुन लीजिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, लेकिन कोविड की वजह से हो सकता है कि आगे चल के और भी कुछ परेशानियाँ क्रिएट हो जाए, तो बोर्ड के द्वारा जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक इंटर में भाग लेने वाले हैं 2023 में, जानना जरूरी है कि 2022 में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या दोगुनी कर दी थी लेकिन इस बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या के लिए वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या में कमी की जाएगी अथवा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की पहले की दुगुना की जाएगी। इस बात पर अभी भी सस्पेंस चल रहा है क्योंकि हो सकता है कि कोविड फिर से दर्शक दे दे, लेकिन ये डरने की बात नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है। यहाँ पर देख लीजिए आगे फिर से बोला है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2023 में मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए नया पैटर्न जारी कर दिया गया है और वर्ष 2022 की बात करें तो 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था जिससे दोगुने वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या थी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 थी जिसमें 50 उत्तर देने थे और 50 के जगह पे अब की बात सिर्फ कितने पूछे जाएंगे, 60 पूछे जाएंगे जिसमें उसे 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और साइंस में अगर बात करें तो जिसमें ऑब्जेक्टिव 40 किए जाएंगे जिसमें आपकी बार कितना किया जाएगा, 48 पूछे जाएंगे जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा, मतलब इस बार की तरह। तो ये बिल्कुल हम जितने भी डाउट आपके पास चल रहे थे उन सबको क्लियर कर दिए। अब अगर डाउट फिर भी कुछ रह गया है तो बताइएगा हमें कमेंट करके ज़रूर, आगे भी यही बात बोला है। अब यहाँ पे सुन लीजिए सब कुछ, यहाँ पे पैटर्न आपके सामने A to Z हम रख देते हैं। हिंदी में टोटल 60 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अंग्रेजी में भी 60 होंगे, 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, गणित में भी 60 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, मतलब भौतिकी रसायन विज्ञान में जो साइंस इंटर में है उसके लिए प्रश्नों की संख्या 42 होगी, 35 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, रसायन में कितना होगा ये भी 42 और बायोलॉजी में भी उतना ही होगा। लेकिन वही बात मैट्रिक की अगर करना है तो मैट्रिक में साइंस में और सोशल साइंस में 48 क्वेश्चन करे जाएंगे जिसमें आपको 40 करना है, समझे। इतिहास में, भूगोल में, सभी के सभी में जिसमें प्रैक्टिकल है उसमें 42, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है 48। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा और मैट्रिक में भी इतना होगा। तो कुल मिलाकर के हम आपके डाउट को दूर करने में सफल हुए या असफल हुए, जितने भी मैट्रिक इंटर के लोग अपीयर होना चाहते हैं 2023 के एग्जाम के लिए, एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर लीजिएगा। आगे भी वीडियो में हम आपको किसी से रिलेटेड बातें बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको चलते हैं बाई फेस आते हैं और कुछ बताते हैं। देख लीजिए ध्यानपूर्वक, अब स्क्रीन
रिकॉर्डिंग में हमने आपको यही बताने का प्रयास किया जो बोर्ड पे है, जो बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने जाकर के इस चीज को सर्च करके देखा है, और कहीं ना कहीं अफवाहें चल रही है, कहीं से कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग मतगणनाएं हमारे सामने आ रही है, बट रियलिटी क्या है तो देख लिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सब कुछ ए टू जेड बताया गया था कि 2022 में जो एग्जाम हुए थे कोविड की वजह से प्रश्नों की संख्या दोगुनी कर दी गई थी, लेकिन वही 2023 में जो है सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह वगैरह सब कुछ खुला हुआ है और पढ़ाई स्टडी हो रही है अपने टाइम टू टाइम, इसलिए प्रश्नों की संख्या जो है पिछले वर्ष की तुलना मतलब 2021 में और जो चलते थे 2019 में जो पैटर्न थे उसी पैटर्न पे होगा अब तक वर्तमान समय में। लेकिन कोविड फिर से अपने पांव पसार रहा है, जैसे कि हम लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कि कोविड आ रहा है चौथा लहर आ रहा है, तो हो सकता है कि उस दरमियान क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भरोसा रखें 90% का मतलब समझते हैं ना, 90% डीटो डॉट दे करके चैलेंज दे करके बोल सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या सिर्फ 10% ही ज्यादा पूछी जाएंगी, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जैसे 30 पूछे गए थे तो 30 नहीं पूछे जाएंगे, 20 पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दोगुना मतलब 10 पूछे गए थे तो उसकी जगह पे कितने पूछे जाएंगे 8 पूछेंगे, मतलब 2-3 एक्स्ट्रा प्रश्न आपको सामने पूछे जाएंगे, एक ही दो प्रश्न रहेंगे, दुगुना संख्या जो प्रश्नों की होती है वो नहीं होगी, 90% डीटो के साथ बोल रहे हैं। अगर आप साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, आपका प्रैक्टिकल वाले अगर सब्जेक्ट है मैट्रिक से है तो प्रैक्टिकल में आपके कितने मिलने वाले हैं, 20 मिलने वाले हैं, 80 नंबर का होगा, जिसमें 40 नंबर आपके प्रैक्टिकल से होंगे तो 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, जबकि मैथ में है, साइंस में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या रहेगी कितनी, 60 रहेगी, 10% ज्यादा रहेगा, समझे। वही इंटर की कर रहे हैं तो देख लेना इंटर में जो भी प्रैक्टिकल वाले हैं उसमें प्रश्नों की संख्या मतलब 35 बतानी है तो 42 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, जिसमें से 7 प्रश्न आपको माइनस करके बाकी सभी को आंसर करने होंगे। तो ये तमाम जो है बोर्ड की तरफ से निर्देश मिला है, और हमने सोचा कि क्यों ना क्यों, काफी विद्यार्थी हमसे क्लास में पूछते रहते हैं कि क्या करा जाए सर, कैसे रणनीति बनाया जाए, क्या प्रश्नों की संख्या दोगुनी होगी या नहीं होगी, कई बार हम क्लास में भी इस चीज को क्लियर करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि नहीं प्रश्नों की संख्या दोगुनी नहीं पूछी जाएगी अपितु उतने 10% ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट था कि ये सर वैसे बोल रहे थे, वो सर वैसे बोल रहे थे, हम बोले कि एक बार वेबसाइट पे जाकर के सर्च करके देखने में क्या जाता है, भरबली सुनोगे मुहे मुहे सुनोगे जो आपके बोर्ड कहते हैं वैसे चलोगे ना, तो हम उम्मीद आपको दे दे कि नहीं दुगुना प्रश्न पूछे जाएंगे, और पूछे ही ना जाए तो फायदा तो कोई नहीं है, इसीलिए जरूरी यही कि रणनीति के तहत हम लोग पढ़ाई करें, और हम लोग को दोगुना प्रश्न नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितने भी प्रश्न मिलेंगे हमको उसमें से सटीक और करेक्ट आंसर करना होगा, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, समझ में आया। तो बेहतर प्लानिंग के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जिन गुरुजनों के पास भी आप जा रहे हैं कहीं ना कहीं डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, और 10-12 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, मतलब क्या समझ रहे हैं, बहुत है प्रश्नों की संख्या, 10 प्रश्न संख्या छोड़ना है, मतलब हमको तो मौका मिलता, हम लोग के समय में तो ये था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, लेकिन आप लोग के साथ में ये चीजें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं डेडिकेशन के साथ लगाव करके आपको पढ़ाई करना चाहिए, और हमें लगता है कि इतना प्रश्न काफी है, आप सिर्फ 10% ही ज्यादा मान के चलो, अगर बाय द वे गलती से समझ लेना 10% का मतलब बहुत नगण्य होता है, गलती से अगर प्रश्नों की संख्या दोगुनी आ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो वही कर पाएंगे ना जो हम जानते हैं सीखे हैं, तो इसीलिए उस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और बोर्ड सचिव और बोर्ड शिक्षा मंत्री जी जो बोले हैं उनके फैसला को सर्वमान्य होगा, क्योंकि हम लोग के कहने से और कुछ कहने से तो बदलने वाले है नहीं पैटर्न, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बिहार है अपना भाई, पेपर लीक होना स्वाभाविक हो चुका है, किसी चीज का भी पेपर पिछले साल मैथ का लीक हुआ था, उससे पहले सोशल साइंस का लीक हुआ था, अब ये पता नहीं किसका लीक होगा, हम नहीं जानते लेकिन होगा डेफिनेटली, अपना बिहार है भाई कुछ और हो या ना हो पेपर लीक होते रहता है, अपना बिहार है, ठीक है, तो हम लोग बिहारी हैं, तो बिहारी हैं भाई, दम तो है, समझे, पेपर लीक कराने में महारथी है हम लोग, यस शाबाश, पेपर लीक करा देंगे शाबाश गर्दा, पढ़ाई लिखाई के समय पूरी बजाएंगे और पेपर लीक कराने में चीट कर करके छाप छाप के एग्जाम पास करने में माहिर है हम लोग, यस कभी कभी हमें भी तकलीफ होता है, खैर कोई बात नहीं, फिर जो भी अप टू डेट होगा हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे, पल पल का अपडेट आपके साथ हम बने रहेंगे। तो ये चैनल है बिक्के मिश्रा एजुकेशनल, चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि आपके मित्र भी जो दुविधा में है असुविधा में है उन्हें ये सारी सुविधाएं मिल जाए। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दिल से बिहारी।